उधर पूर्व मुख्यमंत्री और एआईसीसी के संगठन महासचिव अशोक गहलोत ने भी डीडवाना, नवलगढ़ और कोटपुतली के बाद सिकराय और दौसा में जनसभाएं की और बीजेपी सरकार पर जमकर तंज कसे। गहलोत ने कहा कि जमीन, बजरी और शराब माफिया के साथ मिलीभगत हो रही है। वहीं गहलोत ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर भी जमकर कटाक्ष किया। गहलोत ने चुटकी लेते हुए कहा कि जादूगर तो मैं हूँ, बीजेपी नेता भी जमकर जादू करने लगे हैं। जब मैं पोता पोती होते हैं झगड़े, अगर दादा दादी पर पैसे हैं तो मालूम है कि मैं सेवा करूँगा तो मुझे अभी चॉकलेट के लिए, आइसक्रीम के लिए, कुछ के लिए कैसे मिलेंगे। ज्यादा सेवा करते हैं, दोनों तरह पता दादा पढ़ लो, दादी खाना खा लिया, खाना खिलो, उस तरह से उनको उनकी सेवा अच्छी होती है दादा दादी की भी। तो ये सब सोच करके मैंने क्या किया, 15,40,000 लोगों को पेंशन मिलती थी, बेटा बड़ा वो नहीं मिलेगी, नौकरी का तो नहीं मिलेगी, कई उसके राइडर थे लगे हुए हैं, मैंने सब हटा दिए, 50,00,000 जोड़ दिए, 64,40,000 लोगों का नहीं मिला। इस प्रकार जब मैं एक एक चीज का ध्यान रखा उस वक्त, तो भाई चलो तुम तो तकलीफ निर्माण समों के सामने जिंदगी निकाले, बुढ़ापे के अंदर भी निश्चित जन्म भी विधवाएं भी, ये हमारी कोशिश थी। दवाएं फ्री कर दी आप सबकी, टेस्ट फ्री, भर्ती हो जाए कोई तो उनका पूरा खर्चा सरकार वहन करेगी, कोई हमने कमी नहीं रखी थी। चीज दिया तो भेज दिया आप लोगों को, बिना ब्याज के अपने किसानों को कर्ज दिया, नहीं सरकार थी पहले बंद कर दिया, वापस दवा पड़ा कांग्रेस का तो जाके वापस शुरू करवा। धुआंधार प्रचार के बाद अशोक गहलोत शाम को जयपुर लौटे। उन्होंने दौसा समेत अलग अलग जगहों पर चुनावी रैलियों को संबोधित किया। चुनावी सभाओं को संबोधित करने के बाद वे शाम को हेलीकॉप्टर से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां चुनाव प्रचार के लिए